बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं कि पतंगबाजी के टॉपिक को पूरी तरह से परखना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत सारी किताबें ख़रीदनी पड़ी, बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ा, और कुछ मुझे अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों से जो वाक़यात मिले विरसे में, सीना बसीना जिसे कहते हैं। तो ये एक इंतज़ार हुसैन साहब की किताब है, उसमें बसंत का दिन उन्होंने मुग़लों के ज़माने का उसकी अक्कासी की है। ये ज़रा आप इसको पढ़िए, और ये इंतहाई ज़बरदस्त लफ्ज़ों में पतंगबाजी की अक्कासी की गई है। ये ज़रा देखिए कि बादशाह और शहज़ादे किस तरह बसंत मनाया करते थे और पतंगे उड़ाया करते थे। ये इतना आसान काम नहीं है जितना लगता है। ये मैं आपको इस एंगल से दिखा देता हूँ दोबारा से, ताकि आपको पढ़ने में ज़रा आसानी रहे। ये मुग़लों के दौर में पतंगबाजी का एक आंखों देखा हाल वो बयान कर रहे हैं, और ये आप देखिए, ये सदियों पुराना शौक़ है, और इसकी तारीख हिंदुस्तान पाकिस्तान में 700 साल पुरानी बताई जाती है। हज़रत मीर खुसरो ने भी इस पर, बसंत पर, वो अपनी शायरी वगैरह की हुई है, और ये आप देखिए। इसके अलावा मैं आपको आज एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो देखिएगा कि लाहौर शहर में आज से 300 साल पहले पहला बसंत मेला कहां पर लगा था और वो मुकाम कौन सा था, उसकी वीडियो बनाकर भी मैं आपको बताऊंगा और उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नए से नए और बहुत ही मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहे हिस्ट्री के बारे में, पतंगबाजी की। तो मैं यहीं पर इसको ख़त्म करता हूँ। सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, आपको नई से नई स्टोरी मिलती रहेगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।